ये है हल्क का छोटा भाई श्रेक, जो अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर गंदे पानी में नहाता है और पता नहीं कौन से कीड़े से ब्रश करता है। ये अकेले जंगल में रहता है और ज्यादातर जानवरों की आंखों को खाया करता है, लेकिन दिवलोक गांव के सभी लोग इस दानव को मारना चाहते हैं ताकि सभी लोग सुरक्षित रह सके और इनाम मिल सके। गांव के सभी लोग रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं, पर वो एक हरा राक्षस था लेकिन दिल का साफ था, लेकिन उसने अभी तक किसी इंसान को अब तक कोई हानि नहीं पहुंचाई। पर श्रेक उन सभी गांव वालों को देख लेता है और छिपके से उनके पीछे जाकर डरा देता है और भगा देता है। पर उन इंसानों का पोस्टर गिर जाता है जिसमें लिखा था फेयरी टेल के चरित्र यानी भेष बदलने वालों को कैद किया जा रहा है, क्योंकि राजा को इन सभी की सख्त जरूरत होती है। वहाँ के सभी इंसान और चमत्कारी जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे और उन सभी को जेल में कैद कर रहे थे। तभी एक गधे की मालकिन सिपाहियों के पास जाकर कहती है ये गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था इसलिए कुछ भी नहीं बोलता। तभी एक लड़के के हाथ से जादुई परी उछल जाती है और गधे पर गिर जाती है, जिससे गधे में भी जादू आ जाता है और गधा हवा में उड़ने लगता है और गधा सभी सिपाहियों को चिढ़ाने लगता है। पर तभी जादू काम करना बंद कर देता है और गधा नीचे गिर जाता है। सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गधा उन्हें चकमा देकर जंगल की ओर भागता है और शेख से भिड़ जाता है। इनकी सस्ती मस्ती के अगले पार्ट के लिए लाइक